बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आज आपसे कुछ डिफरेंट शेयर कर रही हूँ, यानी आज की रूटीन। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रेड सब्सक्राइब का बटन दबा के, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी, और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ का लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज क्या हुआ कि आज हमेशा की तरह से, यानी चूँकि मेरा बेबी सुबह जल्दी उठ जाता है, तो मैं भी जल्दी उठ गई। और जब मैं किचन में गई तो बिल्कुल जी अंडे फिनिश थे, ब्रेड फिनिश थी। और कितनी दफ़ा तो मैं एज़रा के साथ ऑर्डर प्लेस कर चुकी हूँ, लेकिन जब ऑर्डर आता है तो वो अंडे मार जाते हैं बीच में से। तो मैंने कहा चलो आज खुद ही जा के चीज़ें ले आती हूँ, देखती तो हूँ जाके कि हर चीज़ वाकई आउट ऑफ स्टॉक है या सिर्फ मुझे जो है वो चकमा दे देते हैं हर दफ़ा। तो खैर मैं पहुँच गई एलडी सुबह 8 बजे पहुंची, क्यू लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ 2-4 ही लोग थे और काफ़ी डिस्टेंसेस से खड़े हुए थे। तो अंदर मैं गई और अंदर हर चीज़ स्टॉक्ड अप थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो मैंने खैर आराम सुकून से अपनी शॉपिंग की, और करने के बाद मैं एज़रा गई, वहाँ से भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, बेबी फूड वगैरह। तो खैर मैंने अपनी ट्रॉली पकड़ी और जब मैं निकली तो ये लंबी चौड़ी क्यू लगी हुई थी। खैर मैंने देखा कि सुबह मतलब 8:45 मैं एज़रा के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन इतनी लंबी क्यू जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 8 to 9 जो है वो उन्होंने NHS यानी डॉक्टर्स और नर्सेस को टाइम दिया है अपनी शॉपिंग करने का, और उसके बाद जो है वो बाकी लोगों के लिए एज़रा खुलेगा। तो मैंने कहा फेयर इनफ, ये उनका हक बनता है, क्यों नहीं। तो खैर हम जो है वो फिर खैर मैं अंदर गई एज़रा के, और अपनी जो है वो पहले जो भी चीज़ें ज़रूरी लेनी थी, बेबी फूड वगैरह, वो लिया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए बिल्कुल एम्प्टी था, बहुत पुरसकून, यानी शॉपिंग के लिए परफेक्ट टाइम था सुबह 8:45 जब मैं गई थी। और आराम सुकून से मैंने अपनी सारी शॉपिंग की, और उसके बाद 10:00 तो बाहर क्यू भी नहीं थी। खैर उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर खैर मैं घर की तरफ रवाना हुई। बेटी से मैंने प्रॉमिस किया था बिस्किट्स बनाने का, तो फिर जी हमने बनाए बिस्किट्स। हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर मेकिंग बिस्किट्स। Yeah, this is egg, this is flour, corn flour, butter, we got hot, star, gingerbread man, flour, sugar, with cheese. So, you're going to add all the butter. All the butter. And get all the flour. Sugar. Sugar first. Sugar. Sugar, but I didn't love flour. Yeah. I love flour. Whoa! That's a tasty egg. I love egg with Anna Vati. I love it. Love it? Oh. Yeah, with Anna Vati. तो आज मेरी बेटी ने कहा कि मेरी जगह वो लेगी, यानी आपको वो सिखाएगी कि बिस्किट्स कैसे बनाते हैं। खैर ये दिन भी आ गया कि अभी हमें बच्चों से सीखना पड़ेगा कि बिस्किट्स कैसे बनाते हैं। मेरी बेटी तो खैर हर दूसरे दिन इसका यही शोर होता है कि मम्मी बिस्किट्स बनाएं, और ये वाहिद बिस्किट्स हैं जो ये बहुत शौक से खाती है, बहुत बेसिक से बिस्किट्स हैं, इसलिए मैंने रेसिपी नहीं दी। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। तो खैर इसमें बच्चों के साथ जो है वो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आजकल वो घर है, कहीं भी नहीं जा रही है, ना नर्सरी जाती है, ना कोई बाहर वॉकिंग के लिए, ना कुछ, क्योंकि मैं उसे जाने नहीं देती हूँ। तो हम जो है वो सिर्फ घर पे कोई बेकिंग कर लेते हैं, कभी हम जो है वो रीडिंग राइटिंग कुछ ना कोई एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। तो मुझे भी, चूँकि अपनी कुकिंग की वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो वो जब मुझे देखती है तो कहती है कि अभी मैंने बनानी है, तो मैं कहा चलो आज की वीडियो आप बना लो। तो इसलिए जो है वो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि अपने छोटे छोटे हाथों से जो है वो बिस्किट्स का आटा गूंद रही है। और उसके बाद जी ये रोटी मैंने उसको बेल के दी थी, क्योंकि इसकी 1 inch की तकरीबन थिकनेस चाहिए होती है बिस्किट्स के लिए, तो वो खैर मैंने इसको बेल दी थी। फिर इसने जो है ये इसका फेवरेट पार्ट है, जिसमें ये अपनी फेवरेट शेप्स वगैरह जो है ये इसमें से काट लेती है। तो खैर इसने जो है वो सारी की सारी शेप्स काटी हैं। ये अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का, मतलब शेप्स वगैरह अगर किसी बच्चों को सिखानी है तो मैं उसको इस तरह से भी सिखाती हूँ कि ये कौन सी शेप है, वो कौन सी है, तो बड़ी ये जो है ये एक एंटरटेनिंग सी हमारी गेम भी हो जाती है। तो खैर इसने अपनी सारी ये इस तरह से शेप्स काटी, और फिर हमने जो है वो एक पार्चमेंट पेपर ट्रे में डाल के, और फिर जो है हमने इसको बेक कर लिया। मैंने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक किया था,
और उसके बाद चूंकि मेरी बेटी थोड़ी सी बोरिंग है, वो चॉकलेट और जैम वगैरह बिस्किट्स पे नहीं लगा के खाती है, कुछ भी हो जाए तो वो नहीं खाती है। तो खैर मैंने सिंपल बिस्किट्स के ऊपर जो है वो शुगर डस्ट करके उसको दी और वो उसने बड़े मज़े से इस तरह से खाए। Move it on the side. There. Mm-hmm. Can, eat it? Can I eat it now? Yeah, of course you can. Mmm. Mmm. It is warm. It is good. अच्छा जी, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, एंड में सब्सक्राइब का बटन दबा आएगा तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।